मॉर्निंग स्टूडेंट्स क्लास 8। टू चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं। थर्ड चैप्टर है आपका बच्चों स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, तो स्क्वायर क्या होता है आपका? स्क्वायर व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इट्सेल्फ, जब किसी नंबर की मल्टीप्लाई हम उसी नंबर से कर दें तो उसे बोलते हैं हम स्क्वायर। द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज नोन एज स्क्वायर, जैसे कि टू की मल्टीप्लाई टू से करी तो टू की पावर हमने लिख दी टू, इक्वल हो जाएगा आपका फोर। ठीक है, तो ये हो जाएगा टू का स्क्वायर कितना होता है आपका फोर। इसी टाइप से थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन। जो आपका स्क्वायर होता है बच्चों, उस स्क्वायर होता है जिसकी आपकी फोर साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, उसे बोलते हैं हम स्क्वायर। और स्क्वायर का एरिया होता है यूनिट, सॉरी ए की पावर टू। ए आपकी क्या है, साइड है, साइड इंटू साइड, ये होता है आपका एरिया स्क्वायर का। आपको बच्चों सबसे पहले अपनी फेयर कॉपी में वन से लेके ट्वेंटी तक स्क्वायर्स लिखने हैं। ठीक है, इस टाइप से लिख लोगे वन टू, ठीक है बच्चों, और फिर आपको इनके स्क्वायर लिखने हैं। तो जब आप स्क्वायर लिखोगे तो आप डायरेक्ट नहीं लिखोगे, इसमें एक लाइन और ऐड करनी है आपको। यहाँ पे आपका नंबर दिए हुआ है और इसे वन है, तो आप लिखोगे वन की पावर टू इक्वल वन, टू टू की पावर टू इक्वल फोर, मतलब टू की आप कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, टू बार कर रहे हो। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से आपको करने हैं। थ्री का थ्री की पावर टू इक्वल हो जाएगा आपका नाइन, मीन्स थ्री मल्टीप्लाई थ्री क्या होता है आपका नाइन। इस टाइप से आपको करने हैं। ठीक है, ट्वेंटी तक। बात करते हैं एक्सरसाइज की। 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो हमें स्क्वायर बताने हैं इनके। ठीक है, तो 18 का स्क्वायर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 8, तो हमें स्क्वायर निकालना है इसका, मींस दो बार लिखना होगा 8 मल्टीप्लाई 8, 8 की पावर 2, तो आप क्या हो जाएगा 64। ठीक है, इसी टाइप से हमें सारे क्वेश्चन करने हैं, स्क्वायर निकालना है। ये रहे आपके क्वेश्चंस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है 12। ठीक है, तो 12 देखते हैं। थ्री मल्टीप्लाई क्या होता है, थ्री मल्टीप्लाई फोर होता है आपका बच्चों 12। परफेक्ट स्क्वायर हमारा होगा अगर ये टू के पेयर्स बनते हैं। ठीक है, तो होता है हमारा परफेक्ट स्क्वायर, अदरवाइज नो। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड की बात कर लेते हैं, 121। ठीक है, तो 121 क्या होता है हमारा, 11 का स्क्वायर होता है, 11 मल्टीप्लाई 11 कितना होता है, इक्वल हमारा 121 होता है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे 121 हैज टू पेयर्स ऑफ 11 एज, 11 क्या है बच्चों हमारा है प्राइम नंबर, हैंस 121 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इस टाइप से। ठीक है, और 12 को हम लिख लेंगे 12 हैज नोट टू पेयर्स है ऑफ, तो इसके तो टू पेयर्स है ही नहीं, तो हैंस 12 इज नोट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसके टू पेयर्स नहीं है तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और 121 के आपके पेयर्स थे टू, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा।
इसी टाइप से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर।